सो रेलिक स्कैटरिंग को हमने समझा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेलिक स्कैटरिंग वी विल ट्राई टू आंसर सम इंटरेस्टिंग नेचुरल फेनोमेना. नंबर वन इज नेचुरल फेनोमेना, नंबर वन इज टिंडल इफेक्ट. दिस यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, 9th क्लास. सेकेंड इज ब्लू कलर ऑफ स्काई. थर्ड इज व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स. देन फोर्थ रेड कलर ऑफ, फोर्थ इज रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज. एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ये पांच इंटरेस्टिंग फिनोमिना है नेचुरली जो अकर होते हैं और इसको हमें स्टडी करना है. रेलिग ने अपने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, रेलिग ने जो कहा रिलेशन कि आई एस इज इक्वल्स टू वन इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा बाय फोर दिस रिलेशन, और इसके लिए कंडीशन दी कि एक्स दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी वेरी वेरी मच लेस देन लैम्डा. ऐसा इसने कहा. इस रिलेशन के बेसिस पे रेलिग ने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस का, इन फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन दिया. सबसे पहले हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की. नंबर वन इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट में हमने ये देखा है कि अगर मैं एक ग्लास में ऐसा पानी ले लूं इस तरह से पानी ले लूं और यहां पे एक टॉर्च लगा दूं, ग्लास है यहां पे एक मैंने टॉर्च लगा दिया. अब जब मैं इस टॉर्च को ऑन करता हूं तो मुझे टॉर्च से लाइट रेज निकलती हुई दिखेगी, ऐसा लाइट दिखेगी जो कि इस ग्लास को, ऐसा एक कांच का एक ग्लास है ऐसा पानी पीने वाला, इस ग्लास को मैंने पानी से भर दिया और ऐसा साइड से टॉर्च चला के देखा, ऐसा ग्लास मैंने पकड़ लिया हाथ से और इसको टॉर्च से देखा, और मैंने देखा कि जब इस टॉर्च से लाइट निकल के इस ग्लास पे पड़ती है तो मुझे पानी में कुछ भी नहीं दिखता, मुझे सीधा सीधा ये टॉर्च से निकलने वाली लाइट इस तरफ दिखाई देती है. और यहां पे अगर मैं ऐसा स्क्रीन लगा दूं एक एक व्हाइट कलर का, एक ऐसा व्हाइट कलर का स्क्रीन लगा दूं तो इस स्क्रीन पे जब ये लाइट रेज गिरती हैं लाइक दिस, तो यहां पे मुझे ऐसा एक स्पॉट दिखाई देता है. क्या देखा आपने? आपने ऐसा टॉर्च ऑन किया तो ग्लास में से आपको नहीं दिखा कि कुछ लाइट जा रही है, आपको सीधा सीधा बस दिखा कि यहां से लाइट इस ग्लास में एंटर हुई और यहां से निकल गई, अंदर कहाँ गई ये नहीं पता, लेकिन बस यहां से दिख के इधर से आपको लाइट रेज दिखने लगेंगी. ऐसा आप घर पे ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, करके देखिएगा, यू कैन ट्राई दिस. ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि लाइट रेज यहां से निकलती हुई जरूर दिखी,
इसके अंदर जाती हुई जरूर दिखी, अंदर नहीं दिख रही, फिर यहां से बाहर निकलती हुई भी दिख गई। तो ऐसा क्या जादू हुआ यहां पे कि ये लाइट रेज एंटर हुई, बीच में अदृश्य हो गई, गायब हो गई और वापस से यहां निकल गई? तो हम कहेंगे कि यहां कोई जादू नहीं हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, सिर्फ इतना हुआ है कि मुझे यहां पे लाइट रेस दिख रही थी, यहां पे लाइट रेस दिख नहीं रही। तो क्या इसका मतलब यह कि लाइट रेस यहां है ही नहीं? ऐसा नहीं है, यहां लाइट रेस प्रेजेंट है, यहां पे लाइट है लेकिन मुझे नहीं दिख रही। मुझे क्यों नहीं दिख रही? हो सकता है क्योंकि लाइट सीधी जा रही है ना, लाइट तो इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर मुझे कैसे दिखेगी? जब लाइट रे ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, जब वो मेरी आईज में आ ही नहीं रही, तो फिर वो मुझे कैसे दिखेगी? आप जब ग्लास पकड़ के ऐसा टॉर्च ऑन करेंगे तो आपको इधर से लाइट इधर जाती हुई दिखेगी, बीच में ग्लास में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको ऐसा करके देखेंगे यहां से तो आपको लाइट दिखेगी, आप जब यहां खड़े होकर देखेंगे तो आपको लाइट दिखेगी, जब सामने से देखेंगे तो लाइट नहीं दिखती। वाई? बिकॉज ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में आ ही नहीं रही, तो आपको कैसे दिखेगी? फिर हमने क्या करा, हमने इस वाटर में ऐड कर दिया फ्लोर, फ्लोर जो आटा होता है, सूखा आटा। ओके, सूखा आटा आपने लिया और उसको ऐसा डाल दिया, ऐसा इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा, इस पानी में मुझे ऐसे फ्लोर के पार्टिकल्स तैरते हुए दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इस फ्लोर के मुझे तैरते हुए इस पानी में दिखेंगे, कुछ डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे तैरते रहेंगे। तो ये जो चीज बनी इसे हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन बन गया जिसे नाम देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही इस पानी में मैं ये वाटर में ये फ्लोर ऐड करूंगा, ये आटा इसमें ऐड करूंगा, यू विल फाइंड कि आपको लाइट की रेज इस तरह से जाते हुए दिखने लगेंगी। जैसे ही आपने फ्लोर ऐड किया, सेम मोमेंट पे आपको इस तरह से लाइट की रेज जाती हुई दिखने लगेंगी और आपको ये पार्टिकल्स, जो ये फ्लोर के पार्टिकल्स हैं, ये भी दिखने लगेंगे। आप सिर्फ ऐसा डाल दीजिए तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही इसमें से लाइट रेस आपको दिखेंगी तो लाइट रेस के साथ साथ ये फ्लोर के पार्टिकल्स भी आपको दिखने लगेंगे। यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दीज पार्टिकल्स ऑल्सो। दिस इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, आप घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड कि जैसे ही मैंने आटा डाला वैसे ही ये दिखने लगा। ऐसा क्या हुआ आटे की वजह से, ये फ्लोर ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि जैसे ही डाला तो ये लाइट की रेज दिखने लगी? सो आई विल से, जब फ्लोर के पार्टिकल्स इस पानी में एंटर हुए, इन फ्लोर के पार्टिकल्स का साइज, लेट से मैं कहता हूं एक्स, ये एक्स पार्टिकल का साइज इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लाइट वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। इस लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा मान लेता हूं, इन पार्टिकल्स के साइज को एक्स मान लेता हूं और ये रिलेशन वैलिड हो रहा है। यहां पे फ्लोर के पार्टिकल्स का साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, तो इसका मतलब ये चीज वैलिड है। अगर ये चीज वैलिड है तो क्या होगा, तो ये चीज भी वैलिड होगी और यहां पर रेलिक की स्कैटरिंग हो रही है। रेलिक के द्वारा आइडेंटिटी, रेलिक के द्वारा दी गई फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा है और हम कहेंगे यहां पे स्कैटरिंग हो रही है। और अभी हमने सीखा था कि स्कैटरिंग के केस में लाइट की डायरेक्शन नहीं बदलती, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में जाती रहती है, कुछ इक्के दुक्के लाइट रेस इधर उधर स्कैटर हो जाती है। तो क्या होगा, यहां से निकलने वाली मैक्सिमम लाइट सीधी चली जाएगी और कुछ एक दो लाइट्स इस तरह से इन पार्टिकल्स पे टकरा के ऐसा बाहर की तरफ आपकी आईज में आएगी। तो क्या होगा, आपको ये पार्टिकल भी दिखेगा और आपको ये बाकी की लाइट की रेज भी इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी। तो आई विल से, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जब भी लाइट किसी डस्ट पार्टिकल से टकराती है या फिर कभी लाइट स्कैटर होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर होती है किसी पार्टिकल से टकरा के,
तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो सेम चीज यहां पे हुई है, फ्लोर डालने की वजह से इस लाइट का पाथ हमें विजिबल हो गया है, हम इस लाइट को देख सकते हैं, तो इसीलिए हमें इसका पाथ भी दिखने लगा है और हमें क्लियरली दिखेगा कि ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है। ये बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आप कहोगे यहां पे कैसे दिख रहा है, यहां पे तो आटा नहीं है, यहां पे तो फ्लोर नहीं डाला। तो हम कहेंगे यहां पे ये जो पाथ हमें दिख रहा है इट इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, यहां पे डस्ट पार्टिकल्स जमा है होते हैं इसलिए दिखेगा। अगर आप एक साफ रूम में बैठ के इस चीज को करेंगे तो ये भी नहीं दिखेगा, कहीं धूल, जैसे स्टोर रूम होता है घर में तो वो धूल में जाके बैठ जाइए ध्यान रख के, ओके। तो धूल में जब आप देखेंगे तो ये लाइट रेज भी आपको दिखाई देगी, ये लाइट रेज भी दिखेंगी, लेकिन अगर आप एक साफ रूम में बैठ के देखेंगे तो आपको ये लाइट रेज नहीं दिखेंगी, ये लाइट रेज नहीं दिखेंगी। जैसे ही आप इसमें फ्लोर ऐड करेंगे सिर्फ ये दिखेगा। और दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और ये फिनोमिना किसके बेसिस पे हुआ, अकॉर्डिंग टू द रेलिक। अब अगर आप ये सोचिए इसमें मैंने फ्लोर ऐड किया तो मुझे दिख रहा है, अब आप इसमें रेत ऐड कर दीजिए, सैंड, इसमें जैसे ही आप सैंड ऐड करेंगे आपको कोई पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, आपको ये लाइट रेस भी दिखाई नहीं देगी। वाई? बिकॉज ये लाइट रेस तो सीधी सीधी जा रही है और जब ये सैंड पार्टिकल से टकराएगी तो सैंड पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ से छोटा नहीं, वो वेवलेंथ से बड़ा होता है। तो सैंड पार्टिकल का साइज अगर वेवलेंथ से बड़ा है इट मीन्स वहां पे स्कैटरिंग होगी ही नहीं, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो आपको सैंड के पार्टिकल्स कुछ कुछ दिखेंगे लेकिन ये लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। सो आई विल से इसमें फ्लोर डाला या ऐसा कोई सब्सटेंस डाला जिसके पार्टिकल का साइज इस लाइट से, इसके लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा है तभी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। या धूल डाल दी जमीन से, ऐसा धूल भरी आपने, ऐसा झाड़ू में कलेक्ट करके धूल भरी और इसमें डाल दी तो भी आपको दिखाई देगा, फ्लोर डाल दो तो दिखेगा। और कोई सब्सटेंस, चौक का पाउडर आप डाल दीजिए तो भी दिखाई देगा, ओके। सैंड डालेंगे तो नहीं दिखेगा, मिट्टी डालेंगे नहीं दिखेगा आप, और लेट से सीमेंट डालेंगे, सीमेंट में हो सकता है दिख जाए आप, और कुछ डालेंगे जो कंचे होते हैं, जो ग्लास की बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको डालेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। आप टेबल टेनिस की बॉल डाल दीजिए तो भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड में दिखेगा, कुछ सिलेक्टेड में नहीं दिखेगा। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेलिक स्कैटरिंग। सो आई गेस हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि रेलिक स्कैटरिंग क्या होती है और टिंडल इफेक्ट किस तरह से रेलिक स्कैटरिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट फिनोमेना, सेकेंड फिनोमेना इज सेकेंड फिनोमिना इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, नीले रंग का आसमान क्यों दिखता है, नीला नीला आसमान ऐसा क्यों दिखता है कि वो नीला है, रात में काला कैसे हो जाता है? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट किसी कलर का हमें क्यों दिखता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई ऑब्जेक्ट किसी कलर का क्यों दिखाई देता है। हमने ये कहा था कि हमारी आय में जो होता है, रेटिना पे एक इमेज बनती है, कॉर्निया से लाइट अंदर जाती है, आय लेंस से टकराती है और रेटिना पे इमेज बनाती है। रेटिना पे जब इमेज बनती है तो उस समय मैंने एग्जाम्पल लिया था दो चॉक्स का। मेरे हाथ में दो चॉक्स हैं, इन दोनों चॉक का विड्थ बिल्कुल सेम है, इन दोनों चॉक का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि ये दोनों चॉक अलग हैं। क्यों कहेंगे ऐसा? बिकॉज इन दोनों चॉक का कलर अलग है, ये जो है ये ग्रीन कलर का है और ये वाला ब्लू कलर का है, ओके। सो
हमारे रेटिना पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो हमने कहा था कि वहां पे रॉड सेल्स होती हैं और कोन सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स जो होती हैं वो इंटेंसिटी को कैप्चर करती हैं, और कोन सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली कलर्स को कैप्चर करती हैं। मतलब अगर मैं इस ब्लू चौक को देखना चाहता हूँ, तो इस ब्लू चौक की एक इमेज मेरे आंख में बनेगी, एक रेटिना पे एक इमेज बनेगी, और वो इमेज जो होगी उस इमेज का कलर भी ब्लू होगा। जब इस चौक से टकरा के लाइट मेरे आईज में आएगी, तो मेरे आई में रेटिना पे कोन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन से कोन सेल एक्टिवेट होंगे? वह कोन सेल एक्टिवेट होंगे जो ब्लू कलर को सेंस करते हैं, जो ब्लू कलर को रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, इम्बाइब करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो ब्लू कलर को परसीव करते हैं या ब्लू कलर को सेंस करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और मेरे रेटिना पे एक इमेज बनेगी, और वो रेटिना पे इमेज ब्रेन को ट्रांसफर होगी, ब्रेन को इमेज के साथ साथ इसका कलर भी ट्रांसफर होगा, कौन सेल्स अपना कलर भी बता देंगे, और ब्रेन से इमेज बन के वापस आएगी और फिर मैं चीजों को देख सकूंगा। तो ये ब्लू चौक मुझे इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इस ब्लू चौक से टकरा के लाइट मेरे आईज में ब्लू कलर सेंस करने वाले कौन सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये ग्रीन मुझे इसीलिए दिखता है क्योंकि ग्रीन वाली कौन सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ये व्हाइट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि व्हाइट वाली कौन सेल एक्टिवेट हो रही है, और ये पिंक इसीलिए दिख रहा है क्योंकि पिंक कलर वाली कौन सेल्स एक्टिवेट हो रही है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे आंख में पिंक कलर वाली सेल एक्टिवेट हो रही है और ब्लू वाली या ग्रीन वाली, डिपेंडिंग ऑन दिस? तो आई विल से कि ये पिंक कलर जो मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये ब्लू कलर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर वाली कोन सेल्स को इसीलिए एक्टिवेट कर रहा है बिकॉज इस ऑब्जेक्ट से मेरे आंख में आने वाली लाइट ब्लू कलर की होती है। ये चौक बेसिकली ब्लू कलर की लाइट को रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, इसीलिए मुझे ये चौक ब्लू कलर का दिखता है। ये ग्रीन कलर का चौक ग्रीन इसीलिए दिखता है क्योंकि ये ग्रीन कलर की लाइट को एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और ये लाइट मेरी रेटिना में कौन सेल्स सेंस कर रहे हैं। देन ये पिंक कलर बिकॉज ये पिंक कलर की लाइट एमिट कर रहा है, ये व्हाइट कलर बिकॉज ये व्हाइट कलर की लाइट एमिट कर रहा है। अब ये एमिट कैसे कर रहे हैं? क्या ये अपने हिसाब से एमिट कर रहे हैं? क्या इस चौक के पास कोई बल्ब है? क्या इसके अंदर कोई एनर्जी है कि ये लाइट एमिट करने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या हो रहा है? तो हम कहेंगे कि बेसिकली इन चारों चौक पे, इस रूम में जो लाइट है वो लाइट इस चारों चौक पे आके टकराती है। इन चारों चौक पे गिरने वाली लाइट जो होती है वो पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। क्यों पॉलीक्रोमैटिक है? बिकॉज जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूब यूज करते हैं वो पॉलीक्रोमैटिक होते हैं। वो जो लाइट एमिट करते हैं उनमें लगभग सभी वेवलेंथ होती हैं, सभी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो आई विल से जब इस ब्लू चौक पे ट्यूबलाइट की लाइट गिरेगी, तो ट्यूबलाइट की लाइट जो है वो तो व्हाइट कलर की है। उस व्हाइट कलर की लाइट में सात अलग रंग है, रेनबो के 7 कलर्स विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो उस ट्यूबलाइट की व्हाइट लाइट जैसे ही इस चौक पे गिरेगी, ये चौक ब्लू कलर छोड़ के बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस चौक से क्या हुआ? व्हाइट कलर की लाइट में सिर्फ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हुआ और मेरी आई में ब्लू कलर आया और मेरे कोन सेल्स ने उस ब्लू कलर को सेंस कर लिया। ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? बिकॉज जब इस पे ट्यूबलाइट की लाइट गिरेगी तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी सब कलर ये चौक एब्जॉर्ब कर लेगा। ये व्हाइट कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे गिरने वाली लाइट कोई सी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट एज इट इज इससे टकरा के मेरी आईज में आ जाएगी, तो इसीलिए ये मुझे व्हाइट कलर का ही दिखेगा। एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, लेट से आप घर में येलो कलर की लाइट जलाइए, ओके, ट्यूबलाइट बंद कर दीजिए, येलो कलर की लाइट जलाइए, तो आप देखेंगे कि इनके कलर्स आपको थोड़े थोड़े अलग दिखेंगे। अगर ये ब्लू कलर का है तो आपको ये ब्लू नहीं दिखेगा, कोई और थोड़ा सा कलर दिखेगा, ये ग्रीनिश कलर का दिखेगा। इस पे जब आप ब्लू कलर, इस पे जब आप येलो कलर की लाइट डालेंगे तो आपको ये चौक ब्लूइश कलर का दिखेगा। आप जब इसके ऊपर ब्लूइश कलर की लाइट डालेंगे तो आपको ये रेडिश कलर का दिखेगा।
ऐसा कॉमनली आप देखते हैं बहुत सारी चीजें, कोई कपड़ा है जैसे उसका कलर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते नहीं इसको धूप में लेके चलो, धूप में देखेंगे। तो धूप में बेसिकली देखने का क्या कारण है, क्योंकि रूम में जो लाइट है हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर कलर की हो। अब लेट से मैं कहता हूं कि इस रूम में मुझे ये चौक देखना है, ये चौक ब्लू कलर का है, इस रूम में मैं सिर्फ रेड कलर की लाइट कर देता हूँ, मैं सारी लाइट बंद कर देता हूँ, एक लाल लट्टू लाके ऐसा जला देता हूँ, तो वो जो लाल लट्टू मैं जलाऊंगा उससे निकलने वाली लाइट कैसी होगी, लाइट रेड कलर की। रेड कलर की लाइट जब इस चौक पे पड़ेगी तो ये चौक क्या करता है, ये चौक रेड लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ब्लू के अलावा बाकी सब कलर कौन से, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही आप इसको रेड लाइट में लेके जाएंगे, रेड कलर में देखेंगे, ये चौक आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ये चौक आपको ब्लैक कलर का क्यों दिखेगा, बिकॉज इस चौक पे गिरने वाली लाइट कौन सी है, रेड कलर की, लेकिन ये रेड कलर तो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको ये चौक कोई भी कलर का दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए क्या दिखेगा, ब्लैक कलर। बिकॉज ब्लैक कलर क्या चीज है, ब्लैक कलर मीन्स नो कलर। अगर आपके बालों को आप देखो तो बाल कैसे हैं, ब्लैक कलर के, तो ब्लैक कलर के क्यों है, क्योंकि इस पे गिरने वाली सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ना वायलेट को या ग्रीन को, रेड को, ब्लू को, ऑरेंज को, किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, सभी कलर आपके बाल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए आपको ये बाल ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। और कोई भी चीज जो आपको ब्लैक दिखती है वो ब्लैक इसीलिए दिखती है क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो ब्लैक कलर मीन्स नो कलर, इसको हम लिख लेते हैं, ब्लैक कलर मीन्स नो कलर। ब्लैक कलर का मतलब कोई भी कलर नहीं है, जीरो, कोई कलर नहीं, तो उसे हम ब्लैक बोलते हैं। नाउ तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस पर पड़ने वाली जो लाइट है उसमें से वो सिर्फ वो पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि आप प्लांट्स को देखो, तो प्लांट्स ग्रीन क्यों दिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिख रहे हैं, लेकिन क्लोरोफिल ग्रीन क्यों दिख रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन क्यों है, वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि जब सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से वो ग्रीन दिखाई देता है। कोई चीज ब्लू दिखती है तो वो ब्लू क्यों दिख रही है, क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्लू कलर ऑफ स्काई की, तो स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है, हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। हम मानते हैं कि लेट से ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लेट से दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इस एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, बहुत सारी ओजोन प्रेजेंट है, तो इस एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज है 1000 × 10⁻¹⁷ m, सॉरी 1000 नहीं, 1 × 10⁻¹⁰ m, ये इन पार्टिकल का साइज है जो पार्टिकल इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना। अब अगर मैं वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट की बात करूं, तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट होती है 8 × 10⁻¹⁷ m, 8 × 10⁻¹⁷ m, या कहें 8000 × 10⁻¹⁰ m, ऐसा भी कह सकते हैं, 8000 × 10⁻¹⁰। और ब्लू लाइट की
वेवलेंथ होती है 4000 इंटू 10^-10 मीटर। तो अगर मैं रेड और ब्लू को कंपेयर करूं तो किस में डिफरेंस जो है वो ज्यादा है? आई विल से डिफरेंस ज्यादा है इन केस ऑफ जो ज्यादा वेवलेंथ है वो कौन सी है, रेड की। तो आई विल से वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज बेसिकली 2 times और नियरली 2 times ऑफ वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। जो हम वैल्यूज देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट है, वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं। ओके वो इतनी एग्जैक्ट नहीं है, वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस है। नाउ अब अगर हम कंपेयर करें रेड को, रेड की वेवलेंथ को इस पार्टिकल के साइज से और ब्लू की वेवलेंथ को इस पार्टिकल के साइज से, तो सन से जो लाइट आ रही है वो किस तरह से आएगी? वो एटमॉस्फेयर से आके कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगी ऐसा। तो सनलाइट सबसे पहले कहां से पास होगी? सनलाइट सबसे पहले पास होगी इस अपर लेयर से, और इस अपर लेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना है, 1 × 10^-10 मीटर्स। और इस लाइट में जो वेवलेंथ है उसमें रेड का वेवलेंथ कितना है, 8000 × 10^-10, और ब्लू का वेवलेंथ कितना है, 4000 × 10^-10। तो हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ, या कहें साइज ऑफ पार्टिकल एक्स इज वेरी वेरी मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, एंड साइज ऑफ पार्टिकल एक्स इज ऑल्सो वेरी मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ से भी पार्टिकल बहुत छोटा है और रेड कलर की वेवलेंथ से भी पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसका मतलब यहां पे रेलिक स्कैटरिंग वैलिड है। सो आई विल से यहां पे रेलिक स्कैटरिंग होगी। सो रेलिक स्कैटरिंग विल अकर। रेलिक स्कैटरिंग विल अकर मतलब यहां रेलिक स्कैटरिंग तो होने वाली है। तो अब जब ब्लू कलर और रेड कलर दोनों में रेलिक स्कैटरिंग होनी है तो किसमें ज्यादा होनी है और किसमें कम होनी है? तो हम कहेंगे इस चीज को पता करने के लिए वी विल यूज वन अपॉन लैम्डा की पावर 4। बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? आई विल से रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है। किसकी वेवलेंथ कम है? आई विल से ब्लू की वेवलेंथ कम है। सो इफ वी यूज दिस फॉर्मूला दैट रेलिक स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4, आई विल से स्कैटरिंग आई एस फॉर ब्लू कलर, ब्लू कलर की स्कैटरिंग विल बी मोर कंपेयर टू रेड कलर की स्कैटरिंग। जो स्कैटरिंग है वो ब्लू कलर में ज्यादा होगी और रेड कलर में कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। वेवलेंथ सबसे पहली चीज क्या हमने चेक कर लिया कि रेलिक स्कैटरिंग वैलिड है कि नहीं। तो हमने कहा कि वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, 100% ये चीज होनी। अब हमने कंपेयर किया कि रेड में ज्यादा होगी या ब्लू में ज्यादा होगी। तो हमने देखा कि अब रेलिक स्कैटरिंग अगर वैलिड है तो ये आइडेंटिटी यूज होती है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जो है वो कम वेवलेंथ में ज्यादा है और ज्यादा वेवलेंथ में कम है। तो हमने कंपेयर किया ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसमें स्कैटरिंग ज्यादा है। रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है इसीलिए इसमें स्कैटरिंग भी कम है, स्कैटरिंग कम हो गई। तो जब ये सनलाइट एटमॉस्फेयर में आके स्ट्राइक करेगी तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसमें दिखाई देगी? आई विल से स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू में होगी कंपेयर टू रेड। तो जब ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी तो इसका मतलब ये जब सनलाइट इधर गिरी तो मैक्सिमम इधर उधर कौन सी लाइट फैलेगी? ब्लू लाइट। तो पूरे एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट इधर से उधर फैलती हुई दिखाई देगी। एंड दैट्स व्हाई जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको हर जगह ब्लू लाइट ही ब्लू लाइट दिखेगी। एंड वी विल से बिकॉज ऑफ दिस हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का ऑब्जर्व होगा। क्या स्काई एक्चुअल में ब्लू कलर का है? नहीं, स्काई का तो कोई कलर ही नहीं है, स्काई इज ऑफ नो कलर, वहां पे कोई कलर नहीं है, तभी तो रात में वो ब्लैक दिखता है। ब्लैक मीन्स नो कलर, तो इसीलिए ब्लैक जब नो कलर तो रात में जब सनलाइट आती ही नहीं तो वो ब्लैक दिखेगा। लेकिन दिन में सनलाइट रहती है
इसलिए आप देखेंगे कि सनलाइट की वजह से ये ब्लू दिखता है। और क्यों ब्लू दिखता है? बिकॉज यहां पे स्कैटरिंग होती है। सो आई विल से ब्लू कलर विल स्कैटर मोर देन एनी अदर कलर, हेंस स्काई लुक्स ब्लू। हेंस इस वजह से स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई स्काई इज ब्लू कलर। नाउ यू कैन नोट दिस, फिर हम थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पढ़ते हैं।